नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी नीमच एचडीएफसी बैंक में घोटाले को लेकर आ रही है। खबरें जो मिल रही है बता रही है कि रितेश ठाकुर को पुलिस ने उठा लिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से रितेश ठाकुर को लेकर पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, जबलपुर मुरैना तमाम जो पुलिस है उस लगातार ढूंढ रही थी, तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हमें मिल रही है, रितेश ठाकुर को कोतवाली पुलिस ने धर दबोचा है, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि कुछ देर में पुलिस जो है उसकी गिरफ्तारी भी शो कर सकती है, जो सूत्र हमारे तक खबर पहुंचा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो किस तरीके से इस मामले को वॉइस ऑफ एमपी ने उठाया, ये भी मैं आपको बता दूं। पूरा मामला शुक्रवार की देर रात सामने आया था, जिस तरीके से वॉइस ऑफ एमपी ने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी और बताया था किस तरीके से नीमच के एचडीएफसी बैंक में कुछ घपला घोटाला हुआ है, जिसे लेकर शनिवार को जो है एचडीएफसी बैंक के बड़े अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज कराई थी और रितेश ठाकुर नाम के जो व्यक्ति है, जो कर्मचारी है, उसने इस घोटाले को अंजाम दिया था, उसका नाम सामने आया था। वहीं अगर बात की जाए तो इसके बाद लगातार बैंक मैनेजर जो है कविन चौबे, उनसे पूछताछ की गई, जिस तरीके से हमने आपको अपडेट दिखाया था किस तरीके से बैंक मैनेजर को थाने बुलाया गया और पुलिस जो है लगातार 5 से 6 घंटे उससे पूछताछ कर रही थी और उसमें लगातार बैंक मैनेजर जो है बड़ी जिम्मेदारी उनकी बनती, वे भी अपने जो बयान पलटते हुए दिख रहे थे, वे इस पूरे मामले से अनजान दिख रहे थे। उनका कहना था कि इस मामले को लेकर उनके पास कोई अपडेट नहीं, कोई जानकारी नहीं, वे जानते नहीं है किस तरीके से जो है इस घोटाले को अंजाम दिया गया। वहीं अगर बात किया किस तरीके से वॉइस ऑफ एमपी टीम वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी लगातार आपको अपडेट दिखा रहे थे कि किस बारीकी से जो जिम्मेदार है, कितनी प्रक्रिया से निकलना पड़ता है जब जाके इस घोटाले को अंजाम दिया जा सकता है, वहीं जिम्मेदार कौन कौन जिम्मेदार है, जो जिनकी जवाबदारी बनती है कि आखिर इतने बड़े घोटाले को कैसे अंजाम दिया गया, आखिर रितेश ठाकुर ने 6 करोड़ से अधिक का चूना कैसे एचडीएफसी बैंक में लगा दिया, किस तरीके से उसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया और कैसे उसने जो है 1.5 करोड़ जबलपुर में बैंक में जाके देर रात जमा कराया था, आखिर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर उसको उस वक्त क्यों नहीं धर दबोचा, बैंक ने आखिर क्यों गिरफ्तारी उस वक्त नहीं की। अगर बात की जाए तो अब खबरें निकल के सामने आ रही है कि रितेश ठाकुर को पुलिस ने उठा लिया है और जिस तरीके से दबिश दी जा रही थी जबलपुर और तमाम जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही थी कि रितेश ठाकुर यहाँ लगातार फोन बदल बदल के जो है संपर्क कर रहा था, ऐसे में पुलिस ने दबिश देकर एक बड़ी गिरफ्तारी और बड़ी सफलता हासिल करी, जिस तरीके की जानकारी निकल के आ रही है कि रितेश ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। अब पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठेगा, आखिर कौन कौन लोग इसमें शामिल है, किस तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, आखिर मशीन से किस वक्त पैसे निकाले जाते थे, कैसे पैसे निकाले जाते थे और कैसे पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट किया जा रहा था, कितने लंबे वक्त से जो है पैसे निकालने का काम रितेश ठाकुर कर रहा था, उसके साथ कौन कौन लोग शामिल है जिसकी जिम्मेदारी बनती है। तो अब जो है खबरें निकल के आ रही है कि रितेश ठाकुर राज उगलेगा और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी यही है कि रितेश ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस कुछ देर में खुलासा भी कर सकती है, जो खबरें हमारे सूत्र हमारे तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त ये सबसे बड़ी जानकारी थी, बड़ी अपडेट थी जो मैंने आपको बताई। इस तरह की अपडेट के लिए बने हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।